नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में मैं हूँ आपके साथ नुप्रकुल श्रेष्ठ और आज इस सत्र में हम पढ़ेंगे बिल्कुल जमात नौ के सबक तीन को और जिसका मौजू है हज अकबर और इस चैप्टर से रिलेटेड इस सबक से जुड़े कोई भी सवाल अगर आपके जहन में है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं कॉल करने के लिए हमारा नंबर है एट और साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं हमारी मेल आई है डी और साथ ही ई विद्या चैनल नंबर पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं ई विद्या चैनल नंबर नौ पर आप ये सत्र देख रहे हैं और हम आज जो मौजू है उस पर बात करेंगे और बिल्कुल एक बार मौजू फिर से मैं आपको बता देती हूँ आज हम बात करेंगे जानेंगे हजय अकबर इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ख़ास मेहमान हैं आप हमारे हमारे साथ आप हैं डॉक्टर रिजवानुल हक़ असिस्टेंट प्रोफेसर सी आई टी एन सी ई आर टी नई दिल्ली स्वागत है सर नमस्कार कैसे आदाब आदाब और साथ ही साथ जैसे कि हमने मौजू की बात की कि हज अकबर के बारे में हम जानना चाहते हैं तो क्या है आज इसमें ख़ास किस तरीके से शुरुआत करें सर बताइए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये नवाए उर्दू हमारी नवी जमात की जो किताब है ये उससे मुतल है जी और ये एक अफसाना है तो थोड़ा हम अफसाने के बारे में जानेंगे उसके बाद हम देखेंगे और क्या है हाँ तो जी। पहले आइए देखते हैं अफसाना उर्दू में अफसाने का बाकायदा आगाज़ बीसवीं सदी के शुरू में हुआ नावल के तरह इस सिन पर भी मगरबी अदब का गहरा असर है तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने और मसरूफ़ रहने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना नावल और दास्तान से ज़्यादा कशिश रखता है मुख्तलिफ़ नकादों ने अफसाने के मुख्तलिफ तारीफें बयान की हैं एक नक़ाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके एक और नक़ाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वदतुर है वक्त के साथ साथ अफसाने की शक्ल भी तब्दील हुई है एक अच्छा अफसाना अख्तसार के साथ ज़िंदगी के किसी गोशे को कारी के सामने पेश करता है मुख्तसर होने की वजह से कहानी में झोल पैदा होने का अंदेशा भी कम होता है अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सयात का मुताला गहरा होना चाहिए किरदार और वाकयात ऐसे हों जो हमारी ज़िंदगी और हमारे तजुर्बों से मुताकबत रखते हूँ उर्दू के अफसाना नगारों में प्रेमचंद अली अब्बास हुसैनी सादत हसन मंटो, अस्मत चुगतई राजेंद्र सिंह बेदी कृष्ण चंदर ग़ुला अब्बास कुलतलाइन हैदर और इंतज़ार हुसैन बहुत अहम हैं तो ये हमारे एक मख्तसर तारफ़ हो गया अफसानों का जी बिल्कुल तो सर जो अभी आपने नाम लिए हैं अफसाना निगारों के वो पुराने हैं लेकिन क्या कुछ आप नए नाम हमें बता सकते हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं अच्छा अच्छे अच्छे अफसाने लिख जी, रहे हैं जी, है। जी। हाँ बहुत अहम सवाल है ये कि, क्योंकि जब बच्चे पढ़ते हैं आमतौर पर जो पुराने हो चुके जो मुस्त हैं जी उन अफसाना निगारों को पढ़ते हैं स्कूल में लेकिन जो दिलचस्पी होनी चाहिए और जो आज की बातें कर रहे हैं उनके बारे में भी अफसाने पढ़ने चाहिए उनके अफसाने पढ़ने चाहिए तो आज के हमारे ज़माने के जो अभी भी लिखते हैं उनमें सबसे अहम हैं सैयद मोहम्मद अशरफ उनको पढ़ना चाहिए फिर खालिद जावेद हैं सिद्दी आलम हैं इन लोगों को ये बहुत सारे अफसाने बहुत अहम हैं और नई नए तरीक़े इन लोगों ने ईजाद किए हैं अफसाने कहने के अफसाना बयान करने का तो ये बहुत ख़ूबियों से वाकिफ़ होंगे और अपने ज़माने से भी वाबस्ता हो सकेंगे अगर वो इन लोगों के अफसाने पढ़ेंगे जी तो साथ ही अफसाने के फन के बारे में भी आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कुछ मालूम देना चाहेंगे हाँ जैसा कि इसमें बयान किया गया है कि अफसाना जो है एक वहदत तासुर होता है उसमें या एक नशिस्त में अफसाने बयान होने चाहिए ये मगरबी का और जो शुरुआती अफसाने थे जी। उनका ये एक तास था एक उनकी समझ थी लेकिन जैसे जैसे ये अफसाने की तारीफ़ें बढ़ी फिर खुद हिंदुस्तान की जो रवायत है पंचतंत्र की है और जातक कथाओं की है दास्तानों की है तो हिंदुस्तानी और ख़ास तौर से उर्दू के जो अफसाना निगारों ने उनसे भी एक अपना रिश्ता जोड़ा तो उसमें कई नई नई तरह के जो बातें आई हैं और उनके बयान करने का तरीक़ा बदला है उसमें अमतें हैं इस हैं और बयानिया आज के ज़माने में बहुत अहम हो गया है तो ये सारी खूबियाँ हैं तो बच्चे अगर इन चीज़ों को भी समझेंगे तो अफसाना ज़रूरी नहीं वो तासुर हो बाज़ अफसाने तीस सफ़े में पैंतीस सफ़े में चालीस सफ़े में लिखे गए हैं लेकिन बहुत अच्छे अफसाने हैं और उनको पढ़ते आप शुरू करिए तो जी चाहता है बस पढ़ते चले जाइए जी यही कुछ ख़ूबी होती है आ, अफसाने की और जिस तरीके से लिखा गया है और वो जो आ, आपके अंदर रुचि जो पैदा करे जी, जी। वो ही ख़ास बात होती है कि किस तरीके से आपको बांधे रखा है एक छोटी सी कहानी है और उसको किस तरीके से लिखने जो लिखा गया है उन्होंने बांधे रखा है और आज हम बात कर रहे हैं हजय अकबर के बारे में तो क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं किसने लिखा है और क्या उनका भी हम नाम जाने और बारे में भी आप हमें हाँ, कुछ बताएं। हाँ, बिल्कुल आज का जो अफसाना है अजय अकबर इसके जो मुसन्फ़ हैं वो प्रेमचंद हैं जी। उनकी पैदाइश 1936 में हुई थी माफ कीजिएगा उनकी पैदाइश अठारह सौ में हुई थी और 1936 में इंतकाल हो गया था तो ये उनके जन्म की और इंतकाल की बात है प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था उन्होंने नवाब राय के नाम से कुछ अफसाने लिखे फिर 1910 में प्रेमचंद नाम अख्तियार किया और इसी नाम से मशहूर हुए दरअसल हुआ था ये था मैं बता दूं इसकी तशरी तलब है कि उनका एक अफसानवी मजमु आया था सोजे वतन और वो चूँकि स्कूल में मदरस थे फिर अफसर हो गए थे महकम तालीम में तो उनके अफसर ने वो अफसाने मंगवाए और उसमें बहुत ज़्यादा सोज़ वतन यानी हिंदुस्तान के जो हालात हैं उनके बारे में था और वतन से मोहब्बत उसके हालात पर सोज होना अफसोस होना ये सारी बातें थी तो उनके अफसर ने वो पूरा मजमू जब्त करवा के जलवा दिया था तो अब प्रेमचंद ऐसे मुसनफ़ थे कि उनको तो अपनी बात कहनी थी तो उन्होंने क्या किया कि अपना नाम बदल के कि जिससे हम पकड़े ना जी। वो शुरू किया था तो असल नाम जैसा कि बयान किया गया धनपत राय था फिर उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया लेकिन फिर भी एक ख़तरा था क्योंकि धनपत राय नवाब राय मिलता जुलता था फिर उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ नाम इख्तियार किया प्रेमचंद और इस नाम से लिखना शुरू किया हालांकि बाद में कुछ वक्त बाद उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी कि ये झंझट ही न रहे क्योंकि वो अपनी बात को कहने के लिए बहुत ज़्यादा जिद किए हुए थे कि नहीं हमें जो हालात हैं उनको बयान करना है जी तो ये बात थी उनके बचपन के वाक ऐसे जिससे वो आ, लिखना शुरू किए वो बनारस के करीब एक गांव लम्ही में पैदा हुए उनके वालिद मुंशी अजायब लाल डाक के महकमे में क्लर्क थे प्रेमचंद 8 आठ साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया जब वो पंद्रह साल के हुए तो उनके बाप ने उनकी शादी कर दी कुछ दिनों के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंटर पास करने के बाद अपनी तालीम छोड़ देनी पड़ी उन्होंने महक्म तालीम में नौकरी कर ली सरकारी मुलाजमत की वजह से हक बात के इजहार में रुकावट महसूस हुई तो मुलाजमत तर्क करके सारी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीफ़ के कामों में सर्फ कर दी प्रेम ने तकरीबन साढ़े तीन सौ अफसाने और बारह नाल लिखे उन्हें उर्दू अफसाने का मौजिद नहीं तो पहला बड़ा अफसाना निकाल ज़रूर कहा जा सकता है और अक्सर लोगों के ख्याल में वो उर्दू के सबसे बड़े अफसाना निकाल भी हैं उन्होंने मुख्तसर अफसाने को एक मैार किया उनके अफसाने और नावल उर्दू अदब का बेश़ कीमत सरमाया हैं उनके मजमू में वारदात प्रेम पचीसी प्रेम बतीसी आखिरी तोहफा निजात और ज़ाद राह काबिल ज़िक्र हैं उनके नावलों में चौगान हस्ती मैदान अमल, बेवा बाजार हुस्न और गौदान मुमताज़ हैसियत रखते हैं तो ये प्रेमचंद का एक तारुफ था जी और जैसे कि आपने बताया और हम जानते हैं कि जो भी प्रेमचंद जी ने लिखा है और ज़िंदगी कुछ इस तरीके से उन्होंने जिया जी, है जी। उसी को उन्होंने पन्नों पर कागज़ पर उतार दिया है और जो दुख आया जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि बहुत ही छोटी उम्र हुँ, में हुँ. उन्होंने वो देखा कि माँ बाप का जो साया है वो चला गया और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत हुँ, किया हुँ, हुँ. और जो भी उस समय वतन के हालात थे उस पर भी उन्होंने लिखा है और शायद यही इसी को कहते हैं सर कि जो भी आप देखते हैं अपने आसपास और कितनी खूबसूरती से आप उसको लिख जाते हैं और जो लिखा है वो कितना इम्पेक्ट छोड़ कर जा रहा है जी बिल्कुल और वो उनकी लिखावट में उनके अफसानों में हमें, हमें हमेशा मिलता है और वो दिल को छू जाता है और इतना गंभीर लिखा गया है और वो उसमें दर्द भी बहुत ज़्यादा है तो अगर आपने पढ़ा है और ज़रूर पढ़िए और आप जान पाएंगे उनकी कहानियों को उन जो भी उस समय हालात रहे उन सब के बारे में तो कुछ इस तरह से तो हमने बात की है लेकिन आपसे फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि उनकी और भी कुछ बुनियादी खूबियाँ उनके अफसानों की उसके बारे में आप हमें बताइए हाँ प्रेमचंद को जाहिर है अब तकरीबन सौ साल हो चुके हैं उनको लिखे हुए ये अफसाना जो है इसको लिखे हुए सौ साल हो गए तो अगर कोई शख्स आज के ज़माने में लिखता है और अब से सौ साल बाद भी ऐसा लिखा कि वो पढ़ा जाता है शौक़ से और लोग उससे मुतासर होते हैं उससे कुछ सीखते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है प्रेमचंद आज भी ख़ास तौर से बहुत सारे मुसन्फ़ उर्दू में आ चुके हैं हिंदी में भी हैं लेकिन आज भी वो एक बुनियाद हैं हाँ तो उसकी वजह यह है कि उनके जो अफसानों में गांव की देही ज़िंदगी या और ख़ासतौर से छोटे शहरों की जो ज़िंदगी है उसको जितनी तफसील के साथ जितने गहराई के साथ जितने तमाम मसाइल हैं उनकी नफसियाती माशी समाजी जो भी खसूसियत हैं उन सबको प्रेमचंद ने बहुत ही गहराई से ये मौजूद हैं साथ में उन्होंने अफसाने लिखने का फ़न जो है उसको भी अपने तरह से एक तरह से नए अंदाज़ में पेश किया था जाहिर है उसमें अब बहुत सी तब्दीलियाँ भी आ गई हैं लेकिन उस जमाने में अफसाना आ, बनाना लिखना और उसको कायम करना ये काम प्रेमचंद का है तो उनके फ़न की खूबियाँ बेशुमार हैं और हकीकत निगारी से वाबस्ता करना प्रेमचंद की पहली ख़ूबी है लेकिन उन्होंने बड़े ही दर्दमंदी से अपनी बातों को पेश किया इंसानों को जानवरों को किसानों को मज़दूरों को औरतों के मसाइल ये सब बहुत ही ख़ूबी के साथ उन्होंने बयान किए हैं जी और साथ ही अगर हम बात करें हमारा जो आज का मौजू है जी। पर के बारे में तो उसमें क्या कुछ कहा गया हाँ है और हाँ लिखा गया है जी तो मैं हज अकबर असल में एक तवील अफसाना है काफ़ी लंबा है तो इतना वक्त नहीं है कि हम उसको पूरा पढ़ सकें लेकिन हम कुछ इब्तई जो सफात हैं वो पढ़ेंगे आखिर क्या पढ़ेंगे बाकी किस्सा जो कहानी उसमें है वो हम ऐसे ही बता देंगे जी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं मुंशी साबिर हुसैन की आमदनी कम थी और ख़र्च ज़्यादा अपने बच्चे के लिए दाया रखना गवारा नहीं कर सकते थे लेकिन एक तो बच्चे की सेहत की फिक्र और दूसरे अपने बराबर वालों से हेटने बर, हेटे बनकर रहने की जिल्लत उस खर्च को बर्दाश्त करने पर मजबूर करती थी बच्चा दाया को बहुत चाहता था हरदम उसके गले का हार बना रहता था इस वजह से दाया और भी ज़रूरी मालूम होती थी मगर शायद सबसे बड़ा सबब यह था कि वो मुरत के बाईस दाया को जवाब देने की ज़रूरत न कर सकते थे बुढ़िया उनके यहाँ तीन साल से नौकर थी उसने उनके इकलौते बच्चे की परवरिश की थी अपना काम दिलोजान से किया करती थी उसे निकालने का कोई हीला न था और ख़्वाम खा कीड़े निकालना साबिल जैसे हलीम शख्स के लिए ग़ैर मुमकिन था मगर शाकिरा इस मामले में अपने शौहर से मुतफ़ न थी उसे शक था कि दाया हमको लूटे लेती है जब दाया बाज़ार से लौटती तो वो दहलीज़ में छुपी रहती कि देखूँ आज आटा छुपा कर तो नहीं रख देती लकड़ी तो नहीं छुपा देती उसकी लाई हुई हर चीज़ घंटों देखती बार बार पूछती इतना ही क्यों क्या भाव है क्या इतना महंगा हो गया दाया कभी तो उन बदगुमानियों का जवाब मुलायमत से देती लेकिन जब बेगम ज़्यादा तेज़ हो जाती तो वो भी कड़ी पड़ जाती थी कसमें खाती सफाई की शहादतें पेश करती तलदीद और हजत में घंटों लग जाते क़रीब करीब, करीब रोज़ाना यही कैफियत रहती और रोज़ ये ड्रामा दाया की खफीफ सी अशक्रेजी के बाद ख़त्म हो जाता था दाया का इतनी सख्तियाँ झेल कर पड़े रहना शाकरा के शकूक की आबियारी करता था उसे कभी यकीन ना आता था कि ये बुढ़िया महज बच्चे की मोहब्बत से पड़ी हुई है वो दाया को ऐसे लतीफ जज्बा का अहल नहीं समझती थी इत्तेफ़ाक से एक रोज़ दाया को बाजार से लौटने में ज़रा देर हो गई वहाँ दो कुनों में बड़े जोश व खरोश से मनाजरा था उनका मुसवल अदा उनका इश्तल अंगेज़ तलाल उनकी मुशक्ल तजह उनकी रोशन शहादतें और मुनवर रवायतें उनकी तारीस और तरदीद बेमिसाल थीं। जहर के दो दरिया थे या दो शोले जो दोनों तरफ़ से उमट कर बाहम गुथ गए थे क्या रवानी ज़ुबान थी गोया कूजे में दरिया भरा हुआ उनका जोश इजहार एक दूसरे के बयानात को सुनने की इजाज़त न देता था उनके अल्फाज की ऐसी रंगीनी तखयल की ऐसी नोयत उसलूब की ऐसी जिद्दत मजामीन की ऐसी आमद तशबीत की ऐसी मौजूनीत और फिक्र की ऐसी परवास पर ऐसा कौन सा शायर है जो रश्क न करता सिफत ये थी किस इस मुबासे में तलखिया दिल आवेज़ी का शायबा भी न था दोनों बुलबुलें अपने अपने तरानों में महो थी उनकी मतानत उनका जब्त उनका इतमान कल्ब हैरत अंगेज़ था उनके जर्फ़ दिल में उससे कहीं ज़्यादा कोहने की और बदल जहाँ ज़्यादा सुनने की गुंजाइश मालूम होती थी अलगरज़ ये खालस दिमागी जहनी मनाजरा था अपने अपने कमालत के इजहार के लिए खालिश जो आजमाई थी अपने अपने कर्तव्य और फन के जौहर दिखाने के लिए तमाशाइयों का हुजूम था वो मुतज़ल किनायात व इशारे जिन पर बेशर्मी को शर्माती और कलमाते रखी जिनसे उफूनत भी दूर भागती हज़ारों रंगीन मिजाजों के लिए महज बाई से तफरी थी तो यहाँ से ये शुरू होता है आ, अफसाना और उसके बाद होता यह है कि जब वो रोज़ आती है वहाँ से जब दोनों कुंजलिनियों की लड़ाई सुन के तो हो जाती उसमें वो ऐसे महो हो जाती है उसको हो जाती है देर जी। और जो मुंशी साहब थे उनको जाना था देर हो रही थी तो वो जो शाकिरा मुंशी साहब की बेगम थी जी। वो बहुत नाराज़ होती हैं और वो उस दाया को निकाल देती हैं काम से वो कोशिश करती है कि माफ़ी मांगती है लेकिन वो समझती हैं कि ये हमें लूट रही है इसलिए कुछ भी कहो ये नाराज़ होकर छोड़ती नहीं है काम तो ये है फिर जब वो चली जाती है जी। तो बच्चा धीरे धीरे बीमार होने लगता है वो तो हर वक्त बस अन्ना कहता है दाया को हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता था उसको गोद में लेती थी जी। तो वो अन्ना जब उसकी दूसरी माँ की तरह थी दाया और जब वो माया अन्ना नहीं होती है तो वो बहुत परेशान होता है बार बार उसके इर्द गिर्द देखता है जहाँ वो बैठती थी जहाँ रहती थी धीरे धीरे वो और बीमार होता जाता है फिर वो खाना पीना छोड़ देता है और फिर बारिश का मौसम होता है गर्मी होती है उसके बुखार आने लगता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है तो जो उस वक्त के डॉक्टर हकीम थे उनको दिखाया जाता है लेकिन उन सबसे उसको असर नहीं पड़ता है तो आखिरकार जब ये लोग हार जाते हैं तो ये सोचते हैं कि उसको बुला कर लाते हैं फिर से अब तक के शाकिरा जो उसकी बीवी है मुंशी साहब की वो भी समझ जाती है कि इसके बगैर ये मुमकिन नहीं है और कहीं ना कहीं ये ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से है जो है ये बेटा बीमार चल रहा है तो आखिर में जब वो बुला के लाते हैं वो जा रही होती है हज करने जो आ, दाया है उसका नाम अब्बासी है तो वो आ, जब मुंशी साहब जाते हैं वहाँ ट्रेन से और बताते हैं कि बच्चा बहुत बीमार है और पता नहीं बचेगा भी नहीं बचेगा तो आ, दाया की जो है बेचैनी बढ़ जाती है और वो ट्रेन से अपना सामान उठा के वापस आ जाती है और उसके पास जब पहुंचती है रास्ते भर बहुत बेचैन रहती है हर आहट पर उसको लगता है क्या भीड़ होती है कहीं कुछ होता है तो आखिरी हिस्सा फिर मैं पढ़ देता हूँ आखिर साबिर हुसैन का मकान आ पहुंचा अब्बासी ने डलते डलते दरवाज़े की तरफ ताका जैसे कोई घर से भागा हुआ यतीम लड़का शाम को भूखा प्यासा घर आए और दरवाज़े की तरफ सहमी हुई निगाह से देखे कि कोई बैठा तो नहीं है दरवाज़े पर सन्नाटा छाया हुआ था बावर्ची बैठा हुक्का पी रहा था अब्बासी को ज़रा ढारस हुई घर में दाखिल हुई तो देखा कि नई दया बैठी पका रही है कलेजा मजबूत हुआ शाकिरा के कमरे में गई तो उसका दिल गर्मी की दोपहरी धूप की तरह कांप रहा था शाकिरा नसीर को गोद में लिए दरवाजे की तरफ टिक टिकी लगाए ताक रही थी गम और यास की जिंदा तस्वीर अब्बासी ने शाकिरा से कुछ नहीं पूछा नसीर को उसकी गोद से ले लिया और उसके मुंह की तरफ चश्मे पूर्णम से देखकर कहा बेटा नसीर आंखें खोलो नसीर ने आंखें खोली एक लम्हे तक दाया को खामोश देखता रहा तब यकायक दाया के गले से लिपट गया और बोला अन्ना आई अन्ना आई नसीर का जर्द मुरझाया हुआ चेहरा रोशन हो गया जी। जैसे बुझते हुए चिराग में तेल पड़ जाए ऐसा मालूम हो हुआ गोया वो कुछ बढ़ गया है एक हफ़्ता गुजर गया सुबह का वक्त था नसीर आंगन में खेल रहा था साबिर हुसैन ने आकर उसे गोद में उठा लिया और प्यार करके बोले तुम्हारी अन्ना को मार कर भगा दे नसीर ने मुंह बनाकर कहा नहीं रोएगी अब्बासी बोली क्यों बेटा मुझे तो तूने क़ाबा शरीफ़ न जाने दिया मेरे हज का सवाब कौन देगा साबिर हुसैन ने मुस्करा कर कहा तुम्हें उससे कहीं ज्यादा सवाब हो गया जी। उस हज का नाम इस हज का नाम अकबर है जी। तो यहाँ पर ये अफसाना खत्म होता है बिल्कुल और वक्त भी सर हमारे हाँ, हाँ, पास अब कम है और हाँ, हम इसको आगे अब नहीं बढ़ा पाएंगे हाँ, लेकिन हाँ, बहुत ही खूबसूरती से हमने इस मौजू को पढ़ा और सबसे बड़ी बात की परिवार के हर सदस्य का एक अहम रोल है जी, और बच्चे की जो ममता है मोहब्बत है वो निश्चल है उसको नहीं फिर, पता कि कौन उसके लिए क्या है लेकिन जहाँ उसको ममता दिखती है प्यार दिखता है बच्चे वहीं खींचे चले जी, जाते हैं है। और कितनी पहले ये लिखा जा चुका है प्रेमचंद जी के द्वारा और इसी विषय पर हमने कई पिक्चर्स भी देखी हैं जो इस तरह से खींचती हैं और ममता और प्यार को दिखाती हैं तो वाकई ये कहते हैं कि सबसे बड़ा जो आपको हज जो है वो आपने कर लिया कि आपने किसी के लिए आप लौट कर वापस आ गए तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौजू को बहुत ही खूबसूरती से और बेहतर ढंग से हमें समझाने के लिए तो आज के सत्र में इतना ही लेकिन अभी आप कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे एक अन्य कार्यक्रम के साथ जिसका विषय है मोशन और ये साइंस का टॉपिक है और उसके बाद तीन बजे सोशल साइंस के टॉपिक के साथ आप जुड़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड और उसके बाद साढ़े बजे हम लेकर आएंगे एक नया टॉपिक और जिसका विषय है अगर हम बात करें मैथ्स का ये सब्जेक्ट है और विषय रहेगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट टू और चार बजे आप देखेंगे हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन एनिमेशन एज डिजिटल रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग और पाँच बजे आप जुड़ेंगे सहयोग सेशन में और आज का जो विषय है जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अडोलस क्रूशियल येट क्योरिटी का उसके बाद आप जुड़ेंगे हमारे कार्यक्रम नीपा में तो अभी के लिए इस सत्र में बस इतना ही आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार